चलो बाय बैक हम स्टार्ट करते हैं। सेवन सेवन चैप्टर सुनो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायबैक, गाइस बायबैक करते क्यों है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायबैक। अच्छा ये चैप्टर तुमको कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि तुमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, टेक ओवर पढ़ लिया है, ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा तुमको। ठीक है, कुछ भी नहीं है ये चैप्टर, सिर्फ प्रोसीजर वर्क है, वो भी तुमने टेक ओवर में आधा कर लिया है। एस्क्रो अकाउंट क्या प्रोसीजर, बस करो ना बेटा, क्या प्रोसीजर है, व्हाट आर मेथड्स ऑफ बायबैक। मुझे सिर्फ तुमको है ना एक बार ऊपर से बताना है कि क्या क्या हो रहा है बस यहाँ पे ये चैप्टर में। पहले तो क्वेश्चन आएगा व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायबैक। अच्छा लोग बायबैक क्यों करते हैं, अच्छा पहले बताओ बायबैक का मतलब क्या हुआ। कंपनी अपने खुद के शेयर्स परचेस वापस ले लेती है, वापस परचेस करती है, दैट इज नोन एज बायबैक। अभी एक बायबैक अभी शायद आने भी वाला है, मुझे नहीं पता, बट एक आ गया है ऑलरेडी। अच्छा अभी है ना सबसे ज्यादा बायबैक, अभी सबसे बड़ा बायबैक हो गया था टीसीएस का आया था। ठीक है, टीसीएस का बायबैक आया था, उन लोगों ने हर एक शेयर बाय किया 4200 में, मतलब पर शेयर का ऑफर प्राइस क्या रखा, ऑफर प्राइस नहीं बोलते इधर, बायबैक प्राइस बोलते, इधर ऑफर प्राइस नहीं बोलते, तो उसे बायबैक प्राइस क्या रखा था बेटा 4200। अच्छा रीजन क्या होगा कि क्यों बायबैक करते हैं, अगर उनके पास बहुत कैश पड़ा है, सरप्लस कैश पड़ा है यार, अरे क्या करने का इतना कैश, हम थक गए हैं पैसा देख देख के, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इक्विटी शेयर होल्डर को वापस दे देंगे। So, कैश पड़ा हुआ है तो उन लोगों ने क्या किया, बायबैक कर लिया। अभी कैश मतलब कितना कैश पड़ा था पता है, उन्होंने कितने अमाउंट का बायबैक किया, 18,000 करोड़ का बायबैक हुआ, फिर भी अभी भी कैश रिच कंपनी है टीसीएस, समझ रहा है ना। 18,000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है, मतलब पता नहीं उनके घर में कैसे होगा, ऐसे चद्दर खंखेरा, ओ पैसा निकला, ठीक है ऐसा ओसी का खंखेगा पैसा, ठीक है इतना तो पैसा होगा उन लोगों के पास, और हम देखो बेचारे, ठीक है बट ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है हम पर्स भी खंखारेंगे तो भी पैसा नहीं निकलता अपने में, ठीक है हाँ खंखेरे हाँ। अच्छा तो टोटल बायबैक वैल्यू था 18,000 करोड़। अच्छा क्यों बायबैक किया, या तो कैश सरप्लस पड़ा होगा, या तो अच्छा बायबैक करते हो ना बेटा तो इक्विटी शेयर वापस खरीदते हो। अभी सुनो हाँ, अगर सपोज मान लो 1,00,000 शेयर्स है, उसमें से मैंने 25,000 शेयर्स बायबैक किए, ठीक है तो इन शॉर्ट आफ्टर बायबैक, ये कौन सा बोल रही हूँ बेटा, आफ्टर बायबैक, क्योंकि ये 25,000 शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है कैंसिल होते हैं ना, तो आफ्टर बायबैक मेरा शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 75,000, मतलब इक्विटी शेयर कम हो गए। अगर इक्विटी शेयर कम हो गया मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, अभी समझा। सो उनको इक्विटी कम हो गया तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा, अर्निंग पर शेयर बढ़ा तो इक्विटी शेयर होल्डर खुश हो गए, तो सर्विस अच्छा हो गया। किसको सर्विस अच्छा हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर्स को सर्विस अच्छा हुआ, तो वो उनको अच्छा लगेगा, इसके लिए लोग बायबैक करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो को रैशनलाइज करने के लिए, पता है 2:1 होता है, ठीक है तो डेट इक्विटी रेशियो प्रॉपर करने के लिए वो लोग बायबैक करते हैं। सो देयर आर वेरियस वेज ऑफ बायबैक, सॉरी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायबैक। मेन तो कैश बहुत पड़ा है उनके पास, वो उनको वापस लौटाना है, इक्विटी को ज्यादा अच्छे से सर्व करना है, अर्निंग पर शेयर बढ़ाना है, अनवेलकम टेक ओवर को रोकना है, ठीक है हॉस्टाइल टेक ओवर समझ रहा तुमको, जबरदस्ती टेक ओवर। मैं एक्वायरर हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल तेरी कंपनी को टेक ओवर कर, नाम बोलना मैं भूल गई, ब्रुनाल ब्रुनाल कंपनी को टेक ओवर कर रही हूँ, हॉस्टाइल टेक ओवर है, हॉस्टाइल मतलब उसको चाहिए नहीं के टेक ओवर, तो वो क्या अनाउंस करेगा पता है, बायबैक, तो उतना वो बायबैक अनाउंस करेगा और ज्यादा प्राइस में अनाउंस करेगा, तो लोग मेरे को क्यों शेयर देंगे,
लोग किसको शेयर देंगे, उसको शेयर देंगे ना, बायबैक में शेयर बेचेंगे ना, तो ऑब्वियसली मेरे को शेयर मिलेगा नहीं, तो बायबैक कंट्रोल हो, मतलब सॉरी टेक ओवर कंट्रोल हो गया, अनवेलकम टेक ओवर को प्रिवेंट किया, तूने प्रिवेंट किया बाय डूइंग व्हाट बेटा, बायबैक। अरे समझ रहा है? तो बायबैक के मेजर ऑब्जेक्टिव्स देखिए एक बार, व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव्स लिखा होगा, देखो फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट क्या लिखा है, टू इम्प्रूव अर्निंग पर शेयर, टू इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और वो सब ठीक है, टू प्रोवाइड एडिशनल, हाँ ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, नेक्स्ट टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर, मृणाल वाला एग्जाम्पल, नेक्स्ट टू रिटर्न द सरप्लस कैश, टीसीएस वाला एग्जाम्पल, टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब डेट इक्विटी रेशियो ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए, एंड द टू सर्विस द इक्विटी मोर एफिशिएंट। ये समझा? अच्छा अभी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल कोरल लिमिटेड के शेयर्स थिनली ट्रेडेड है, थिनली ट्रेडेड समझता है, बहुत कम ट्रेडिंग है, बहुत कम ट्रेडिंग है, थिनली ट्रेडेड का मतलब बहुत कम ट्रेडिंग है, मतलब यहाँ पे देख, अगर सपोज मान लो कपिल के पास, बराबर बोली मैं, कपिल के पास कोरल लिमिटेड के शेयर्स है, वो मार्केट में बेचने निकला, मतलब वो कौन है, सेलर, बट मार्केट में कोई बायर नहीं है, तो फिर आज रुक गया, आज तेरे शेयर्स बिके नहीं, फिर वापस कल ट्राई करेगा, वापस उसे शेयर सेल ऑर्डर प्लेस किया, बट मार्केट में उसी दिन भी, उस दिन भी बायर नहीं था, तो वापस तेरा आउटस्टैंडिंग रहा, कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे अज्यूम कर कोरल लिमिटेड ने बायबैक अनाउंस किया, कपिल खुश हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो 5-6 दिन से ट्राई कर रहा है, क्या ट्राई कर रहा है, बेचने के लिए, बट बिक नहीं रहा है, उसको एग्जिट रूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं एग्जिट पे नहीं, सेलर जब ही कर रहा था तभी एग्जिट रूट नहीं मिल रहा था, बट अभी बायबैक अनाउंस हुआ तो अभी मिलेगा ना, अभी तेरे को टेंशन ही नहीं, दे देना वो वही शेयर्स खरीद रहा है, तो उसको एक एडिशनल एग्जिट रूट मिल गया, एक एक रूट तो स्टॉक एक्सचेंज का होता है और एक एडिशनल एडिशनल एग्जिट रूट मिला, एडिशनल एग्जिट रूट किसका बेटा, बायबैक, तो एक मतलब बायबैक किया तो उसको एक एडिशनल एग्जिट रूट मिल गया। डाउट है, क्वेश्चन है, जल्दी बोलो, सारे ऑब्जेक्टिव समझे? अच्छा अभी इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 68 है, सेक्शन 70 है, ठीक है, 69 बहुत इजी है, 69 आता भी नहीं है, वो रिजर्व्स का है, ठीक है, किसका है, वो सीआरआर में ट्रांसफर करते हो ना आप, बायबैक, बायबैक के एंट्रीज नहीं हुए ना तुम लोग को अभी तक, ठीक है, वो सर तुमको बोलेंगे कि लास्ट में ना रिजर्व्स, जितना रिजर्व्स आपने यूज किया होगा ना उसका लास्ट एंट्री पास करने का रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, मतलब जितना रिजर्व्स अकाउंट आपने यूज किया होगा ना इट शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर, सीआरआर बोले तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, समझा, वो सेक्शन 69 है, वो तो अकाउंट्स में हो जाएगा तुम लोग का, तो वो हमको पोर्शन में भी नहीं है, तो करना ही नहीं है हमको, करना क्या है 68 एंड 70। अच्छा ये कौन से सेक्शन है, किसके, कौन से एक्ट के, कंपनीज एक्ट, सेबी ने नहीं दिया सेक्शन, किसके है, कंपनीज एक्ट, तो ये दो कंपनीज एक्ट के सेक्शन है, उसके बाद सेबी चालू होगा अपना। ऑब्जेक्टिव समझा कि नहीं समझा? अच्छा मेरे को बताओ बायबैक अभी, एक मिनट, टीसीएस का बायबैक प्राइस क्या था, लोगों ने बहुत पैसा कमाया इसमें, मैं पता है वो लक्ष्य बोल रही थी, उसे टीसीएस के शेयर जब भी बायबैक अनाउंस हुआ ना तब भी टीसीएस के शेयर्स खरीदे 3600 में खरीदे, और उसने जब भी बायबैक अनाउंस हुआ तो तभी उसे दे दिया, जब भी बायबैक का पीरियड चालू हो गया तभी दे दिए, तो उसके 7 या 8 शेयर्स एक्सेप्ट हुए, कितने में उसने बेचे, 4200, 600 रुपया नहीं, उसको 900 रुपये का फायदा हुआ था, 3600, तो फिर उसने 3400 में खरीदे होंगे, 400 या 500 में खरीदे, मतलब 300 में खरीदे, मेरे को नहीं पता, बट उसको पर शेयर मेरे को बराबर पता है, उसको 900 रुपये का फायदा हुआ था, और कुछ 7 शेयर उसके लिए थे, तो 900 × 7 कर लो यार, इतना पैसा कमाते हैं लोग, मैं ही नहीं कमाती हूँ पैसा करने का, बट ठीक है, हाँ बट समझा कि नहीं समझा? तो बायबैक में पैसा कमाओगे, हाँ अगर तुमने बहुत पहले शेयर्स लेके रखे होंगे ना तो ऑब्वियसली वो महंगा शेयर्स खरीदेंगे ना, वो महंगे में खरीदेंगे, तो तुमको बायबैक में पैसा मिलेगा, यहाँ तक समझा? अच्छा सेक्शन 68 स्टार्ट करें। अच्छा बोलते जाओगे तुमको आता है क्योंकि कंपनी लॉ हो चुका है, तेरे को नहीं आएगा बट ठीक है, तेरे को तो जिनको जिनको आ रहा है, बट ईजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, चल चिंदी है, हाँ चलो बोलो फटाफट।
फर्स्ट, अच्छा इसका मतलब क्या है ये तो पता होगा, पावर होना चाहिए कि दर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज होना चाहिए द कंपनी हैज अ पावर टू, मैं गलत बोली अवा, हाँ मैं तो अवा बोलती हूँ उसको, तुम लोग अवा नहीं बोलते हो, मैं तो अवा और अवा ही बोलती हूँ, अवा ना, ठीक है, पावर होना चाहिए किधर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखवाना चाहिए कंपनी हैज राइट टू बाय बैक, बस वो तो बहुत ईजी हो गया। अभी ध्यान से सुनो गाइस, लिमिट, ये क्वेश्चन एक बार आया था, मैंने बोला ना एक लड़की थी जिसने जिसने फालतू पेपर लिखा था, मेरे को इतना यहाँ तक ये प्रोविजन कराती हूँ ना, मेरे को ऐसा दिमाग में वो आती है तो मेरे को गुस्सा आता है, अरे इतना इजी प्रोविजन है फिर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा उसने, सुनो पहले क्या लिखा वो छोड़ दो, पहले क्या कितना बाय बैक कर सकते हो, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अच्छा अभी है ना, सुनो सुनो, तुम्हारे कंपनी लॉ में लिखा हुआ है ऐसा, अब आई डोंट नो कंपनी लॉ में मतलब ऐसा तुम्हारे नोट्स में है या तुम्हारे मॉड्यूल में है या नहीं है, मुझे नहीं पता है, बट अगर तुम रियल कंपनी लॉ का बैरक खोल के देखोगे ना तो उसमें क्लियरली लिखा है दैट फ्री रिजर्व वर्ड इंक्लूड्स सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब लिखने के टाइम पे हम ऐसे ही लिखते हैं 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, बट अगर प्रैक्टिकली हमको करना है ना तो हम सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं लेते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल लेते हैं, फ्री रिजर्व लेते हैं एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, बट लिखने के टाइम क्या लिखोगे बेटा, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। और हमारे सीए में तो, हमारे सीए में तो लिखा है क्लियरली, मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है कि दिस, ऐसे एस्ट्रिक मार्क करके लिखा हुआ है दैट फ्री रिजर्व इंक्लूड्स सिक्योरिटी प्रीमियम, अभी समझ रहा है ना। अच्छा ये छोड़ दो, अभी तुम तो इतना ही लिखो। अच्छा सपोज मतलब मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख है, अज्यूम करो फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है, या तो है 1 लाख है, टोटल कितना हुआ 2 लाख, 2 लाख का कितना परसेंट बेटा 25,000, दैट इज 50,000, ये समझा। अच्छा अभी अगर तुमको ये करना है, बायबैक करना है, तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब 75% को हाँ बोलना पड़ेगा, ये समझा। अच्छा नेक्स्ट क्या हुआ, कुछ डाउट है, बट अगर तेरे को अप टू 10% करना है ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे देखो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व है, तो देखो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने पड़ेगा इन बोर्ड मीटिंग ओनली, देखो बोर्ड मीटिंग ओनली, समझा नहीं समझा। अगर 10% ही करना है, कितना करना है 10%, अप टू 10% करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन बोर्ड मीटिंग ओनली, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं इसका मतलब तुमको नहीं समझा, मतलब अरे कंपनी लॉ वाले को तो समझेगा, पब्लिक से स्पेशल रेजोल्यूशन, पोस्टल बैलेट कहाँ होता है बोर्ड मीटिंग में, अच्छा मैं बोल दूँ, चलो छोड़ो जाने दो, ठीक है। इधर बोर्ड मीटिंग ओनली का मतलब देखो, बोर्ड रेजोल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, एक बोर्ड मीटिंग में आके रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और दूसरा होता है सर्कुलेशन होता है, मतलब सर्कुलर, मतलब मेंबर्स को नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करते हैं और वो लोग घर से बैठ के वोटिंग करते हैं, तो बोर्ड रेजोल्यूशन दो टाइप होता है, एक बोर्ड मीटिंग में आके पास करना होता है और दूसरा सर्कुलेशन में पास होता है। अभी मैंने लिखा है बोर्ड मीटिंग ओनली, उसका मतलब मतलब यहाँ पे सर्कुलेशन नहीं चलेगा, समझ रहा है ना, ओनली समझा, ओनली का मतलब देखो ओनली का कितना बड़ा मतलब हुआ यहाँ पे, समझा ओनली का मतलब क्या है, या मैं लिख देती हूँ, एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ ओनली लिख के छोड़ देना है,
ठीक है, इसका मतलब हुआ है कि सर्कुलेशन अलाउड कि नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ओनली यू हैव टू कम इन द बोर्ड मीटिंग एंड देन यू पास द रेजोल्यूशन. घर पे बैठ के वोटिंग करते हैं वो लोग, मीटिंग में नहीं आते हैं. हाँ, यहाँ तक समझा? अच्छा, तो पहला क्या हो गया, लिमिट. लिमिट कितना हो गया, 25%. मतलब अगर किसी ने पूछा बायबैक का लिमिट कितना है, तो सबसे पहले मुंह से क्या निकलना चाहिए, 25%. 10% निकलना ही नहीं चाहिए. ठीक है, कितना निकलना चाहिए, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, बट बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. ये एक्सेप्शन है कि हाउएवर इफ द कंपनी वांट्स टू बाय बैक अप टू 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, दे हैव टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग ओनली. उसका मतलब सर्कुलेशन अलाउड नहीं है. यहां तक समझा? एक भी डाउट? पक्का? अच्छा, उसके बाद बायबैक करने के बाद तुम्हारे इक्विटी शेयर कैपिटल कम होंगे. देखो मैंने बोला है 1,00,000 से कितना हो गया 75,000. मतलब इक्विटी शेयर्स कम होंगे तो डेट इक्विटी रेशियो चेंज होना ही है, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो इज नथिंग बट डेट अपॉन इक्विटी. समझ रहा है, डेट अपॉन इक्विटी. तो अगर इक्विटी चेंज हो रहा है तो तेरा डेट इक्विटी रेशियो चेंज होगा ही होगा. बट याद रखो, आफ्टर बायबैक योर डेट इक्विटी रेशियो शैल नॉट एक्सीड 2:1. मतलब 2:1 से तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो एक्सीड नहीं होना चाहिए. अभी तुमको पता है एलएनटी का बायबैक अभी रोक दिया गया है, सेबी ने उसको परमिशन नहीं दिया, क्योंकि एलएनटी का उसे जब भी प्रपोजल सबमिट किया ना, तो सेबी ने क्या बोला पता है, तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो, सुनो ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है, ये केस तुमको पोर्शन में नहीं है बट ये लैंडमार्क केस बनेगा जब भी जजमेंट आएगा. था अभी तक जजमेंट नहीं आया है, ठीक है, सुन लो बहुत मजा. उस एलएनटी का अभी तक, एलएनटी का बायबैक का प्रपोजल टाटा के पहले था, ठीक है, फिर भी उसका अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है. क्या क्या बोल के अप्रूव नहीं हुआ है, सेबी ने क्या बोला है कि बेटा आपका ना आफ्टर बायबैक करने के बाद इक्विटी कम हो रहा है ना, तो डेट इक्विटी रेशियो एक्सीड हो रहा है. कितने से, 2:1 से एक्सीड हो रहा है, इसके लिए हम आपको परमिशन नहीं देंगे. तो एलएनटी ने बोला सर नहीं हो रहा है डेट इक्विटी रेशियो एक्सीड. ठीक है, देखो एलएनटी ने बोला मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, नहीं हो रहा है. ठीक है, और सेबी बोल रहा है इंक्लूड एक्सीड हो रहा है. ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, हुआ है. क्यों पता है, एलएनटी ने इंडिविजुअल ही का, जो एलएनटी बायबैक कर रहा है ना, सिर्फ उसका ही डेट इक्विटी रेशियो लिया है, और सेबी ने सारे ग्रुप कंपनीज का डेट इक्विटी रेशियो लिया हुआ है. तो ऑब्वियसली दोनों का आंसर अलग आ रहा है, और एलएनटी का आंसर क्या आ रहा है, एग्जिट नहीं हो रहा है, और सेबी का आंसर क्या आ रहा है, एग्जिट हो रहा है, क्योंकि उसने ग्रुप कंपनी का लिया है. अभी एलएनटी ने केस किया है कि भैया कहाँ लिखा है कंपनी लॉ में कि ग्रुप का डेट इक्विटी रेशियो लेना है, तो सेबी बोलता है कहाँ नहीं लिखा है कि ग्रुप का डेट इक्विटी रेशियो नहीं लेना चाहिए, बराबर ना. तो सेबी, हाँ मतलब अभी ऑब्वियसली सेबी, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. अभी इसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, नहीं पता है डिसीजन क्या आएगा, बट जो भी डिसीजन आएगा ना वो लैंडमार्क डिसीजन होगा कि ग्रुप का लेना है कि स्टैंड अलोन लेना है. मेरे हिसाब से सेबी जीतेगा, बट फिर भी देखते हैं. अभी वो भी छोड़ेंगे नहीं ना यार, एलएनटी छोटी कंपनी थोड़ी है, एलएनटी नहीं समझा, बट बहुत अच्छा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ ही जाता है सुप्रीम कोर्ट में. अरे नहीं पता है ये, पता ना, हाँ इतना तो पता है, सीएस हो गए यार, नहीं समझा. तो आफ्टर डेट इक्विटी, आफ्टर बायबैक तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1, उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए. उसके बाद बायबैक हो गया, बायबैक कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आपको सारे शेयर्स फिजिकली डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं. ठीक है, मतलब एक 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 ऐसा फाड़ना पड़ता है, बट कैसा लगेगा, ऐसा डायरेक्टर बैठ बैठ के एक 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 फाड़ेगा, नहीं, वो थ्रेशर मशीन होता है ना, पेपर, हाँ बिग बॉस वाला, करेक्ट, उसमें ऐसा डर डाल देता है, ऐसा पेपर कटिंग मशीन. तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर बायबैक क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप, आफ्टर बायबैक फिजिकली डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे शेयर्स. ठीक है, फिजिकली विद इन 7 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ बायबैक. यहाँ तक समझा?
ये सारे पॉइंट्स तुमको कंपनी लॉ में आएंगे, आए होंगे, ठीक है? तो याद नहीं है तुमको? याद है। चलो नेक्स्ट आगे तो बोलो। और एक सोर्स ऑफ बायबैक, सोर्स ऑफ बायबैक मतलब कहाँ से बायबैक कर सकते हो। वेरी गुड। सिक्योरिटी प्रीमियम में से कर सकते हो, फ्री रिजर्व्स में से कर सकते हो, और एक रह गया, फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व एक ही है बेटा, हाँ और एक रह गया, फ्रेश इश्यू कर सकते हो। फ्रेश इश्यू कर सकते हो मतलब फ्रेश इश्यू का जो प्रोसीज होगा ना उसमें से भी आप बायबैक कर सकते हो। अभी तुमको कंफ्यूजन नहीं हुआ क्या? क्या बात करते हो, फ्रेश नहीं कंफ्यूजन हुआ? हाँ मतलब मैंने फ्रेश इशू किया, वहां से मेरे को पैसा आया, ठीक है, वही पैसा मैं किस में यूज करूंगी, बायबैक में यूज करूंगी। तो तुमको ऐसा नहीं लगा हाँ कि ऐसा क्वेश्चन हुआ है, मैम बायबैक करना है ना आपको, तो फ्रेश इशू क्यों किया, पागल हो क्या? इधर से बायबैक करते हो 10,000 शेयर, इधर से बायबैक करते हो, इधर से फ्रेश इशू कर रहे हो 10,000 शेयर, कशासाठी? यहाँ पे जो बायबैक कर, तुमको आंसर पता है कि नहीं पता है? कंपनी लॉ वाले को आंसर पता होगा, हाँ बोल ना। तो बायबैक क्यों कर रहे हो फिर? बोल ना। अरे तो मैं बायबैक क्यों कर रही हूं, कैसे वैल्यू इंक्रीज होगा? 10,000 शेयर बायबैक किया, 10,000 शेयर ऐसा ये हो गया। अच्छा छोड़ो छोड़ो, नहीं पता है, नहीं पता, तुक्का मत मारो, नहीं पता है, एक्सेप्ट कर लो ना, कभी कभी नहीं पता है, ठीक है। अरे तुम सेम क्लास के शेयर्स इश्यू नहीं करोगे यार, अगर तुम इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो तो तुम प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करोगे, समझ रहा है? तो यहाँ पे सेम क्लास, अरे सेम क्लास इशू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, बायबैक कर रहे हो तो इशू थोड़ी करोगे यार, समझा? अगर मैं बायबैक क्या कर रही हूँ, इक्विटी शेयर बायबैक कर रही हूँ, तो मैं क्या इशू करूंगी, प्रेफरेंस शेयर्स, अभी समझा? अच्छा मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, उधर से पैसा आया, फिर वो पैसा मैं बायबैक में यूज करूंगी, अभी समझा कि अभी भी नहीं समझा? अच्छा अभी ऐसा क्वेश्चन आया था कि प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इश्यू यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अर्लियर इशू मतलब बहुत पहले इशू किया होगा ना, वो यूज कर सकते हो। आंसर इज नो, क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टस पे लिखा होगा कि हम वो पैसा इधर ही यूज करेंगे, तो आप बायबैक में वो पैसा डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू कैन बी यूज कैन नॉट बी यूज, तो आंसर लिखने का कैन नॉट बी यूज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग मेरे को आंसर नहीं दे रहे हो, या तो पूरा खत्म होने के बाद बोलोगे डिंगो मेरे को सब आता था, ठीक है हाँ ऐसा। अरे तुम समझे कि तुमको सब आता है ना, तुम सिर्फ रिवाइंड नहीं हो रहा है क्या? अभी रिवाइंड हुआ हाँ, समझा? सारे पॉइंट समझे? बायबैक करने के बाद फिजिकली कितने दिन में डिस्ट्रॉय कर देने? अच्छा पूरा बायबैक प्रोसीजर खत्म हो जाना चाहिए विदिन 12 मंथ्स। अभी डेटा वाला पार्ट बाकी है, अभी एक्सप्रेशन वाला पार्ट नहीं बाकी है, पूरा बायबैक प्रोसीजर खत्म हो जाना चाहिए विदिन 12। अरे बहुत ज्यादा है यार 12 मंथ्स। बायबैक प्रोसीजर खत्म हो जाना चाहिए विदिन 12 मंथ्स। अच्छा एक बार बायबैक हो गया, एक बार बायबैक हो गया फिर वापस दूसरा नया फ्रेश इश्यू कर सकते हो। ये वाला नहीं हाँ, ये अलग है, ये बायबैक के टाइम पे फ्रेश इशू करते हैं। फिर एक बार बायबैक हो गया, अगर मैंने इक्विटी शेयर बायबैक किया है, वही क्लास ऑफ सिक्योरिटी वापस मैं नया इशू कर सकती हूँ, बट कूलिंग पीरियड रहेगा 6 मंथ्स के बाद। कितने टाइम के बाद? 6 मंथ्स के बाद। तो कूलिंग पीरियड कितना है बेटा? 6 मंथ्स। समझा कि नहीं समझा? डाउट है, क्वेश्चन है, बोलो डाउट क्वेश्चन। सारे पॉइंट समझे? चलो मार्किंग करते जाओ, जो जो नहीं समझा वो बताते जाओ मेरे को। पेज नंबर कौन सा है रे?
पूरा बायबैक का प्रोसीजर 12 मंथ्स में खत्म हो जाना चाहिए। नहीं मिला तुमको? मिला ना, स्टार्ट करो। फर्स्ट क्या लिखा है? हाँ, सेक्शन 68, सेक्शन 69 और सेक्शन 70। मैंने बोला ना 69 पोर्शन में नहीं है, 68 और 70 करना अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखा है बेटा, बायबैक कहाँ से होगा? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रोसीज ऑफ इश्यू, मतलब प्रोसीज ऑफ फ्रेश इश्यू आ गया। अच्छा, उसके बाद हावेवर नो बायबैक कैन बी मेड फ्रॉम द प्रोसीज ऑफ अर्लियर इश्यू, वो वाला पॉइंट मिला ना सबको, ठीक है। उसके बाद कंडीशन, बायबैक कौन से शेयर्स का होना चाहिए? फुल्ली पेड अप, आर्टिकल्स एसोसिएशन में पावर होना चाहिए। कितना बायबैक कर सकते हो बेटा? अच्छा, द गैप बिटवीन टू बायबैक कितना होना चाहिए? वन। एक मिनट, ये सिक्स मंथ्स क्या है वो समझना। न्यू इश्यू करने का सिक्स मंथ्स है, और दो बायबैक के बीच में कितना मंथ होना चाहिए? वन ईयर, ठीक है। उसके बाद बायबैक मस्ट बी ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, बट अगर अप टू 10% ही करना है तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चलेगा इन बोर्ड मीटिंग। कितना अमाउंट मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। यहाँ तक समझ रहा है ना? अच्छा, उसके बाद नीचे लिमिट ऑफ बायबैक, नंबर ऑफ शेयर्स का भी लिमिट है, अमाउंट का लिमिट है और शेयर्स का भी लिमिट है। कितना शेयर्स? एक मिनट, अमाउंट का कितना लिमिट है? 25%। बोला था ना इधर 50,000 तक का रुपीज 50,000 का बायबैक कर सकते हो, और शेयर्स में भी लिमिट है, शेयर्स में भी लिमिट है। अगर मान लो 10,000 शेयर्स है तो 10,000 शेयर्स का 25% करो, 2,500 शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो, ठीक है। और 2,500 शेयर्स जो बायबैक कर रहे हो उसका वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं समझा? एक मिनट, मैं कितना स्पेंड कर सकती हूँ बायबैक में? 25% ऑफ हाउ मच? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये अमाउंट है, 50,000 अमाउंट हो गया। अच्छा, शेयर्स में भी लिमिट है, कितना लिमिट? जितना मेरा इक्विटी शेयर है ना, देख ले कितना है, 10,000 है, तो 10,000 का 25% कितना हो गया? 2,500, मतलब 2,500 शेयर्स में बायबैक कर सकती हूँ। अभी समझा? ये शेयर्स का लिमिट है और ये अमाउंट का लिमिट है, देख लो, मतलब मैं मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक कर सकती हूँ मेरे एग्जाम्पल में 2,500, और कितना स्पेंड कर सकती हूँ? 50,000। अच्छा, अभी सोच के आंसर दो, ये करेक्ट है कि नहीं? मेरे को 2,500 शेयर्स बायबैक करने हैं, एक एक का मैं 100 रुपया पे करने को रेडी हूँ, मतलब बायबैक प्राइस इज 100। कितना हो गया, कितना खर्चा कर रही हूँ? अलाउड नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। क्यों नॉट अलाउड? क्योंकि 50,000 वाला लिमिट है। अभी समझा? एक एक को मैं सिर्फ 10 रुपया स्पेंड करूंगी, तो कितना हो गया? 25,000। अलाउड नॉट अलाउड? अलाउड, क्योंकि वो अमाउंट के लिमिट आया। अभी समझा कि अभी भी नहीं समझा? ठीक है, नेक्स्ट। आफ्टर बायबैक रेशियो क्या होना चाहिए? डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एग्रीगेट सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक, यानी डेट, डेट अपॉन इक्विटी शैल नॉट एक्सीड 2 times ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है, अगर तुमको ये नहीं जम रहा है ना तो इजी लैंग्वेज लिखवा, आफ्टर बायबैक द डेट इक्विटी रेशियो शैल नॉट एक्सीड 2:1। ये बेटर इंग्लिश, बेटर प्रोविजन, मतलब इजी है। उसके बाद ऑल द शेयर्स ऑफ द बायबैक आर फुल्ली पेड अप एंड एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर। ये मैंने बोला ना 12 months में पूरा बायबैक खत्म हो जाना चाहिए। एक कूलिंग पीरियड मैंने नहीं लिखा है, तो चाहिए तो लिख सकते हो ना, कूलिंग पीरियड 1 ईयर। 1 ईयर नहीं बेटा, नहीं लिखा है, नहीं इधर लिखा है, उधर नहीं लिखा, वो लिख दो। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या होता है कुछ तो फिर वापस क्यों पूछ रहा है मेरे को? कूलिंग पीरियड का मतलब वापस वो टाइम तक इशू कर सकते हैं नए शेयर्स? नहीं, रुक जाओ ना, अभी बायबैक किया है ना, तो नए शेयर्स इशू मत करो। कितने टाइम तक इशू नहीं कर सकते हो? 6 months।
तो लिखो ना कूलिंग पीरियड इज 6 मंथ्स, किधर तो लिखो न्यू शेयर कैन नॉट बी इश्यूड या फ्रेश इश्यू कैन नॉट बी मेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ बायबैक। अरे लिखा कि नहीं लिखा, प्लीज लिखो। पता है कभी कभी एग्जामिनर इतना खुश होता ना तुम्हारे ऊपर कि तुमको इतना इजी क्वेश्चन देता ना, स्टिल यू डू मिस्टेक। ये आता ही है, ये आता ही है। सेक्शन 68 इनका फेवरेट है। ये सब तेरे को इसमें आया होगा, बायबैक में कम तेरा नहीं हुआ, सब सब आया होगा ये। मैं एक बार पूछू आंसर क्वेश्चंस स्टार्ट। सबसे पहले पावर होना चाहिए, किधर आयो में, ठीक है। बायबैक एक बार कंप्लीट हो गया तो शेयर्स फिजिकली डिस्ट्रॉय होने चाहिए 7 डेज, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा बहुत है याद रखने का, ठीक है। एक बार बायबैक खत्म हो गया तो, नहीं पहले खत्म नहीं हुआ, सोर्स ऑफ बायबैक बताओ। फ्रेश इश्यू प्रोसीज, बट लॉजिक समझा ना, ये फ्रेश इश्यू प्रोसीज कुछ अलग होगा। अर्लियर इश्यू कैन बी यूज कैन नॉट बी यूज। फिर डेट इक्विटी रेशियो शैल नॉट एक्सीड 2:1। एक बार बायबैक खत्म करने के लिए लॉ ने टाइम दिया है कितना, पूरा 1 ईयर। अच्छा, एक बार बायबैक खत्म हो गया उसके बाद वापस दूसरा बायबैक 1 ईयर, दूसरा बायबैक कभी कर सकते हो आफ्टर 1 ईयर, ये समझा। बट अगर फ्रेश इश्यू करना है तो 6 मंथ्स। अभी समझ रहा है, सारा डेटा कंफ्यूजन क्लियर हो गया एकदम। ये आता है, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है 68। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट गाइस, ये रॉन्ग लिख के आओगे ना तो ऐसा दिल दुखता है यार। मैक्सिमम लिमिट कितना बायबैक का, वो लड़की क्या लिख के आई थी पता है? हाँ, मैं इसके लिए, वो एक लड़की, मेरा गुस्सा आएगा, रहने दो, ठीक है। वो मेरे को बोलती है मैम आपने 10% ही बोला था। मैं नींद में भी 10% ना बोलूँ यार, ठीक है। मैं कैसे 10% बोला है मैंने, मना थोड़ी कर रही हूँ मैं, बट वो किसका है पता चल रहा है ना तुमको, 25% ऑफ व्हाट, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, समझा। और हाँ 10%, समझा। एक सम दिया है वो करो, वो अब मेरे सामने अब भी करो। एक सम दिया, इतना इजी सम अगर आया तुम अपने नसीब अच्छे समझो। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, डिबेंचर्स 1 लाख, व्हाट इज मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। करो, कितना आएगा, कितने का 25% किया, 6 लाख का 25% कितना आता है, 1.5 लाख हुआ, और एक एक का 10 रुपया देने को रेडी है वो लोग। मतलब कितने शेयर्स बायबैक कर सकते, 15,000 हो गया। ऐसा ही आया था ये क्वेश्चन, देखो December 20 में आया था। हाँ बोलना, सब तुम लोग रॉन्ग करके आए थे, वो लड़की रॉन्ग करके आई थी। ए नहीं रे, मतलब दिल दुखता है ना,
अरे क्योंकि उसको दिमाग में 10% था ना, तो समझ नहीं रहे, तो 10% के हिसाब से करके आई वो। अरे December 20 वाला करो। ये नहीं, ये वाला नहीं आया था, ये अलग है, ये अलग है। अरे ये वो क्वेश्चन मैंने नहीं डाला, सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ फिगर चेंज किए थे उन लोगों ने। ये दिसंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करो ना। ओ नहीं 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 आएगा वो दिसंबर वाला, नहीं आएगा, रुको रुको, नहीं आएगा, मैंने प्रोविजन नहीं कराया, सॉरी सॉरी। ठीक है, एक मिनट हाँ रुको। अच्छा यहाँ पे है, सॉरी, पेज नंबर 159 पे आओ, 159 पे। इतना इजी क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, 159, June 19 में आया था, मिला June 19 में। देखो क्या लिखा है, ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़, स्पेड अप 5 करोड़, रिजर्व 3 करोड़, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 2 करोड़। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी पास अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन फॉर बाय बैक टू एक्सटेंड ऑफ 9% ऑफ कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द प्रपोजल। सही है रॉन्ग है? क्यों? बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए इन बोर्ड मीटिंग ओनली। तो मैम ऊपर डेटा क्यों दिया हुआ है? टाइम पास, कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ, अरे पागल, मतलब बच्चे लोग, मैम उतना ऊपर डेटा दिया था ना तो हमने कैलकुलेट किया 9%। अबे क्यों करना है, दिमाग में क्यों यूज करना है? लिखा है 9% बाय सर्कुलेशन किया था, प्रपोजल इज रॉन्ग, इट शुड बी इन बोर्ड मीटिंग ओनली। अच्छा आंसर कैसे लिखोगे वो बताओ, पूरा सेक्शन 68 लिख दो और फिर बोलो इट इज, इट शुड बी बोर्ड रेजोल्यूशन ओनली। नहीं समझ रहा है ना, क्यों कैलकुलेशन में घुसना है जब ये पूछा ही नहीं है? बोलो, समझा? अच्छा ए सुनो, सेक्शन, एक मिनट, सेक्शन, अरे कंटिन्यूशन करने दो, 68 समझा, 70, 69 क्या है? ट्रांसफर द अमाउंट टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर द अमाउंट टू CRR, ट्रांसफर द अमाउंट टू CRR। 69 पोर्शन में नहीं है, मतलब पोर्शन में है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। 70 मिला, 70 पेज नंबर। ओ इधर प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक लिखा है ना, वो सेक्शन 70 है, और मैंने सेक्शन नहीं लिखा है, 157। नहीं है, चलो। अच्छा बायबैक क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास कैश है इसके लिए बायबैक करते हो ना, सरप्लस कैश। अज्यूम करो तुमने डिफॉल्ट किया है, डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया नहीं, सुनो ना, डी 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 आई, बोलो डी 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 आई, दिल दोस्ती डांस इंडिया, क्या है ना, डिबेंचर, डिविडेंड, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट, ये सब आपने पेमेंट नहीं किया। ए तो यार तुम, अच्छा क्रेडिटर्स को पे करने के लिए पैसा नहीं है, बायबैक करने के लिए कैसे पैसा आ गया तुम्हारे पास? अरे लॉजिक है, हाँ या ना? हाँ, समझा कि नहीं समझा? समझा। तो यहाँ पे देखो प्रोहिबिशन, देखो क्या लिखा है, कंपनी कैन नॉट बायबैक थ्रू सब्सिडरी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी, मतलब किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे के भी बायबैक नहीं कर सकते। बायबैक करना है तो खुद से करो, दूसरों के गंतव्य पे बंदूक डाल के बायबैक नहीं कर सकते।
कैन नॉट बाय बैक थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब तुम्हारी कोई कंपनी ने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंसकार्ट ने तेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तू लेंसकार्ट के थ्रू भी बाय बैक नहीं कर सकती है। वो दो पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ द डिफॉल्ट इज मेड बाय द कंपनी इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, अंडरलाइन करो, एक डी हो गया डिपॉजिट्स, ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट, अंडरलाइन करो इंटरेस्ट पेमेंट, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, दो डी हो गए, डिविडेंड का तीसरा डी हो गया, इंटरेस्ट का आई हो गया, तीन, देखो डी 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 आई, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर साथ में याद रखो, ठीक है, फिर डिविडेंड, डिपॉजिट और इंटरेस्ट। अगर तुमने ये डिफॉल्ट किया, तुम बाय बैक नहीं कर सकते हो। अभी गाइस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, प्लीज समझो, यहाँ पे ट्रिक करेंगे। अगर मैंने मान लो 14 फेब को पे करना था, 14 फेब 21 को पे करना था, मैंने पे नहीं किया, डिफॉल्ट किया, अभी मैं बायबैक कर सकती हूँ? नहीं, बट मेरा मन परिवर्तन हो गया और मैंने क्या किया, मैंने डिफॉल्ट को गुड कर दिया, डिफॉल्ट को गुड कर दिया, मतलब पेमेंट कर दिया, कर दिया मतलब मैंने, मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, अरे हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, हो गया हार्ट ट्रांसप्लांट, वेरी गुड, और मैंने पेमेंट कर दिया 14 जुलाई 21 को, पेमेंट कर दिया, मतलब मैं अभी पापी हूँ कि पापी नहीं हूँ? नहीं हूँ। तो अभी मैं बायबैक कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? अभी जस्ट रुको रुको, मैंने 14/7/21 को बायबैक, अरे रिडीम कर दिया ना, डिफॉल्ट गुड किया ना, अभी मुझे पाप का पश्चाताप करना पड़ेगा, हाँ पश्चाताप करना पड़ेगा 3 साल तक, मतलब आफ्टर 3 इयर्स ओनली आई कैन बाय बैक। तो देखो वो वाला लाइन मैंने अंडरलाइन किया होगा, द बाय बैक इज नॉट प्रोहिबिटेड इफ द डिफॉल्ट इज रिडीम एंड द पीरियड ऑफ 3 इयर्स हैज बीन लेफ्ट सॉरी लैप्स आफ्टर सच डिफॉल्ट सीज टू सबसिस्ट, मतलब जिस दिन डिफॉल्ट गुड हो गया ना, उस दिन से 3 साल के बाद ही आप बायबैक कर सकते हो। तो मेरे एग्जाम्पल में 14 जुलाई 21 निकाल दो, 21 22 एक साल हो गया, 22 23 और 23 24, समझा ना, तो 24 के बाद आप बायबैक कर सकते हो। अच्छा 24 कौन सा डेट के बाद, 14 जुलाई, जिस दिन डिफॉल्ट गुड हुआ ना, उस दिन से 3 साल गिनने का, डिफॉल्ट से 3 साल नहीं गिनने का, जिस दिन डिफॉल्ट गुड हुआ उधर से 3 साल गिनो। कोई डाउट है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अच्छा उसमें है ना, तुम्हारे कंपनी लॉ में एक और प्रोविजन है, अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है, तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते हो, बट वो तुम्हारे सेबी के मॉड्यूल में नहीं लिखा है, बट मैं बता रही हूँ ऐसा, समझा? अच्छा एक पॉइंट तुम लोगों ने बोला नहीं मेरे को यार, इधर ही है सेक्शन 68 में, बायबैक कर रहे हो ना, तो वो टाइम पे आपको एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ता है। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, मेरी कंपनी सॉल्वेंट रहेगी फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर। अरे लॉजिक है, तूने बायबैक में पूरा खर्चा कर दिया, ठीक है, और फिर तुरंत बोलेगा ये मैं इंसॉल्वेंट हो गया, अरे पागल, तो बायबैक क्यों किया, समझ रहा है ना? तो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, ए लिखो ना वो नहीं लिखा है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कंपनी हैज टू फाइल सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट विद सेबी एंड आरओसी, विद सेबी एंड आरओसी, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट विद सेबी एंड आरओसी
दैट द कंपनी विल रिमेन सॉल्वेंट, दैट द कंपनी विल रिमेन सॉल्वेंट फॉर द पीरियड ऑफ वन ईयर. समझा कि नहीं समझा? वन ईयर, एक साल तक वो सॉल्वेंट रहेगी. से नहीं यूज कर सकता है. चलो हम मेथड्स ऑफ बायबैक करते हैं. ये रब करूं? चलो चलो सुनो 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 सुनो, एक काम करते हैं, मैं तुमको टारगेट देती हूँ, इतना खत्म हो गया फिर जाएंगे पक्का. 115 भी हो गया तो चले जाएंगे, या 1 भी हो गया ना तो भी जाएंगे, 1 तो नहीं होगा. देखो सुनो गाइस, सुनो, मेथड ऑफ बायबैक दिया है, उतना पार्ट दिया है ना, ये मेथड ऑफ बायबैक, उसमें से पहला मेथड है फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, लिखा है ना, ठीक है. उसका उसका जो प्रोसीजर है वो कहां दिया है मैं बताती हूँ, रुको, पेज नंबर 161 डिस्क्लोजर लिखा है ना लास्ट में, ऊपर वाला नहीं करेंगे, ऊपर वाला नेक्स्ट लेक्चर करेंगे. अरे समझा? ठीक है, डिस्क्लोजर पेज नंबर 165 तक. वो पूरा एक मेथड है,
अरे नहीं होगा, भरोसा रख मेरे पे। अरे मैं बोल रही हूँ बहुत इजी है। स्टार्ट करूँ? सुनो, अभी पहले मेथड ऑफ बायबैक। सुनो गाइस, स्टार्ट करें बेटा। पहला मेथड ऑफ बायबैक, पहला मेथड ऑफ बायबैक इज फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये टीसीएस ने यही मेथड यूज किया था। स्टार्ट करें ना। पहला मेथड यही यूज किया था, फ्रॉम एग्जिस्टिंग। मतलब क्या? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास से उनको लेटर ऑफ ऑफर भेजेंगे। तुमको सब पता है, ड्राफ्ट बनाएंगे, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर पहले सेबी को फाइल करेंगे, सेबी कमेंट्स देगा, कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर वो लेटर ऑफ ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भेजेंगे। ओपनिंग ऑफ द टेंडरिंग पीरियड होगा, फिर क्लोजिंग ऑफ द टेंडरिंग पीरियड होगा, और लास्ट में पेमेंट हो जाएगा। नहीं समझा? समझा। तो ये किससे बायबैक करते हो? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ये एक मेथड है, टीसीएस ने यही मेथड यूज किया था। उसके बाद यू कैन बाय बैक फ्रॉम द ऑड लॉट होल्डर्स ऑल्सो। ये नहीं समझेगा, रुको। हाँ, ऑड लॉट होल्डर्स, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज ऑड लॉट होल्डर्स। एग्जाम में नहीं आएगा बट समझना तो पड़ेगा ना हमको। तीसरा, यू कैन बाय बैक फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ओपन मार्केट लिखा होगा। यू कैन बाय बैक फ्रॉम ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में दो मेथड है, एक स्टॉक एक्सचेंज है, एक बुक बिल्डिंग है। मैंने बोला था ना अभी सिखा दूंगी बुक बिल्डिंग, समझा? ठीक है, तो एक स्टॉक एक्सचेंज है और एक बुक बिल्डिंग है। तो ये आज नहीं होगा, ये दो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया तो इसका कॉपी पेस्ट ये है। मतलब इसका कोई अलग से प्रोविजन नहीं है, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के सारे प्रोविजन ऑड लॉट होल्डर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। यहाँ तक समझा? सो इन शॉर्ट ये दो मेथड हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ ये दो ही मेथड, ये मेथड ही करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज और बुक बिल्डिंग, बस। मतलब मेरा चैप्टर खत्म, नेक्स्ट लेक्चर। समझा कि नहीं समझा? समझा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर समझा, ऑड लॉट समझना है। अभी होता ही नहीं ऑड लॉट, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम ही बताओगे कि कैसे नहीं होता है। अभी मान लो, मेरे को बताओ डीमैट में शेयर्स है, अश्विन तेरे पास डीमैट में शेयर्स है, तेरे को ट्रांसफर करने हैं शेयर्स, बेचने हैं, रोज मिनिमम कितने शेयर्स बेच सकता है? ये कोई कोई बैच आंसर नहीं करता है बराबर। क्वेश्चन समझा ना? इसके शेयर, इसके पास डीमैट में शेयर्स है, उसको शेयर्स बेचने हैं, मिनिमम कितने शेयर्स वो बेच सकता है? करेक्ट, मिनिमम वन। रोज एक एक शेयर करके बेचेगा, चलेगा ना? हाँ, ये बैचलर दे दिया, ठीक है। तो मिनिमम कितने शेयर्स बेच सकते हो? एक। रोज एक 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 शेयर बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अश्विन, अगर ये शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे और उसको रोज एक 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 शेयर वो ट्रांसफर करने जाता था, उधर का कंपनी सेक्रेटरी उसको बोलता था, ए पागल, कशासाठी रोज आतो, ये तो कशासाठी रोज येतो, अरे क्या मेरी मर्जी, ए ना चल बे, वो मंजुली का बन जाएगा ना चल बे। अरे नहीं चलेगा, रोज एक 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 शेयर फिजिकली हो गए तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, एक ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसमें लिखेंगे मार्केटेबल लॉट। मार्केटेबल लॉट का मतलब इतने शेयर्स मिनिमम आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे एक साथ, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, मार्केटेबल लॉट 50 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 50 शेयर्स। यहाँ तक समझा? अच्छा, अभी अश्विन के पास 75 शेयर्स है, तो उसे कितने शेयर्स मिनिमम ट्रांसफर करने पड़ेंगे? 50 शेयर्स तो करने ही पड़ेंगे ना, तो उसे 50 शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, तो अभी उसके पास कितने शेयर्स पड़े हैं? 25 शेयर्स पड़े हैं, अभी वो नहीं बेच सकता है। कैसे कैसे करेगा? मार्केटेबल लॉट 50 शेयर्स है ना, तो वो ट्रांसफर अभी कर नहीं सकता। तो यहाँ पे अश्विन के पास मार्केटेबल लॉट से कम शेयर्स है ना, वापस बोल रही हूँ, मार्केटेबल लॉट से
कम शेयर्स है इसको बोलेंगे ऑड लॉट। मतलब अभी अश्विन के पास क्या है बेटा? ऑड लॉट, एंड इज अ ऑड लॉट होल्डर। अभी समझा? अच्छा, अभी जब ये बायबैक होगा तो मान लो, अज्यूम करो गर्ल्स ऑड लॉट होल्डर्स है, ठीक है, और बॉयज के पास ऑड लॉट नहीं है, मतलब मार्केटेबल लॉट से, मतलब मार्केटेबल लॉट से ज्यादा है बॉयज के पास। चलो अभी सुनो, कंपनी ने डिसाइड किया दैट कंपनी वांट्स टू बाय बैक फ्रॉम ऑड लॉट होल्डर्स। मतलब वो लेटर ऑफ ऑफर किसको भेजेंगे, गर्ल्स को के बॉयज को? सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को। बट अगर कंपनी ने डिसाइड किया दैट कंपनी वांट्स टू बाय बैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो दोनों को लेटर भेजेंगे। अभी समझा कि क्यों ये दोनों प्रोविजन वन एंड द सेम है? डाउट है, क्वेश्चन है? नहीं समझा? समझा। तो अभी यहाँ पे ये प्रोविजन हो गया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ऑड लॉट होल्डर्स का प्रोविजन में लिखा हुआ है इट इज कॉपी पेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अभी समझा? अभी तुमको क्या करना है, प्रोसीजर कौन से पेज पे दिया हुआ है प्रोसीजर? एक मिनट, एक पॉइंट रह गया। ओपन मार्केट से बायबैक करना, वो नेक्स्ट लेक्चर भी बोलूंगी, वापस बोल रही हूँ। ओपन मार्केट से बायबैक करना है तो ओपन मार्केट का लिमिट 15% है, ठीक है, वो प्लीज मैक्सिमम, मतलब 25 का नॉर्मली बायबैक कर सकते हो ना, बट अगर ओपन मार्केट से करेगी तो सिर्फ 15% लिमिट हो जाएगा। वो नहीं समझा? लिखा होगा किधर तो 15%। ए वो मार्क करो, इंपॉर्टेंट वन लाइनर आ सकता है। ओपन मार्केट से बायबैक करना है तो हाउएवर नो ऑफर ऑफ बायबैक फॉर 15% और मोर ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी शैल बी मेड फ्रॉम ओपन मार्केट। समझा? क्योंकि ओपन मार्केट से शेयर्स ले रहे हो तो मार्केट इफेक्ट होगा ना, 25% ले लोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए एक लिमिट रखा है 15%। अच्छा अभी कौन से पेज पे आओगे? 160, हाँ टू पे ही 16। ए रिकॉर्ड डेट में वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हाँ क्या होता है रिकॉर्ड डेट? एक स्पेसिफिक डेट होता है जिस दिन वो रजिस्टर क्लोज होता है। वो क्यों क्लोज करते हैं? ताकि वो असर्टेन कर सके कि कितने लिस्ट ऑफ मेंबर्स है, कि किनको किनको बायबैक का ऑफर देना है। अभी समझा? अच्छा चलो अभी ये रब करूँ ना, तो मेरे को टाइमलाइन ड्रॉ करना है, और टाइमलाइन मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी।
ऑफर लिखा के। चलो स्टार्ट करें। हाँ बोलना क्या है? तेरे लिए। चलो स्टार्ट। इसमें से एक भी वर्ड तुमको जाना पहचाना लगेगा, सारे वर्ड जाने पहचाने लगे, सब कुछ आता है। मुझे सिखाने की जरूरत है? सुनो ध्यान से। अच्छा मैं फटाफट बोल दूं, सिर्फ पूरा प्रोसीजर एक साथ बोल देती है, सिर्फ सुनो। फर्स्ट कंपनी हैव टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन अकॉर्डिंगली। 10% होगा तो बोर्ड रेजोल्यूशन 10% के अबाव करना है, बट अप टू 25% करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन पास होने के बाद विद इन 2 working days आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा इन न्यूज़पेपर, इंग्लिश हिंदी रीजनल, और वो कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर शैल बी कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी सबमिटेड टू सेबी। फिर सबमिट ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है? ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर बना के उसके साथ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट दैट योर कंपनी विल रिमेन सॉल्वेंट फॉर द पीरियड ऑफ 1 year, वो हो गया। फिर सबमिट लेटर ऑफ ऑफर ड्राफ्ट सबमिट किया, फिर सेबी क्या देगा? कमेंट्स देगा, और वो इनकॉर्पोरेट करने का कमेंट्स में, फिर डिस्पैच करने का लेटर ऑफ ऑफर, एंड देन डिस्पैच हो गया ना, फिर ओपनिंग ऑफ द ऑफर चालू होगा, ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग भी होगा, एंड लास्ट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। जिस दिन पेमेंट करते हो उसी टाइम आपको साथ साथ में फिजिकली शेयर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, अगर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है तो। अगर डीमैट में है तो ऑब्वियसली डोंट पुट योर कंप्यूटर इन द थ्रेशर मशीन, फिजिकली डिस्ट्रॉय करना है, वो एंट्रीज डिलीट करने पड़ते हैं, समझ रहा है ना? हाँ। और फिर जैसे ही आपने फिजिकली, अच्छा डिस्ट्रॉय तुमको अच्छा लगता है कि एस्टिंग्यूश अच्छा लगता है? अच्छा तो एस्टिंग्यूश भी लिख सकते हो, मैंने नोट्स में एस्टिंग्यूश लिखा है। डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद विद इन 7 days आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ेगा कि बॉस हम लोगों ने शेयर्स फिजिकली डिस्ट्रॉय किए हैं, मतलब एक रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा। रिपोर्ट किसको बना के देना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज को, रिगार्डिंग जो शेयर्स फिजिकली एक्सटिंग्यूश हुए हैं। अरे नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? पक्का अभी डेज याद रखना है ना? कैसे याद रखोगे? 2 से स्टार्ट करो, 2, 5 दोनों को ऐड कर दो, 7 मिलेगा, ठीक है? फिर 5, 5 दोनों को ऐड कर दो, 10 मिलेगा, फिर 7, 7,
इजी ना, 257-55-10-77, सिर्फ प्रोसीजर लाइन सर याद रखना। अरे अपन ये समझा तो, अभी एक दो मिनट दे तो एस्ट्रो अकाउंट करा देती हूँ। वो पेज नंबर 161 से 165 वाला खत्म हो गया। हाँ एस्क्रो बाकी है, एस्क्रो है ना, और वो भी मैंने कराया है। मुझे सिर्फ बताना है तुमको, एक बार बता दू ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, बस मेरे को क्लियर हो जाएगा, तुमको याद है या। अच्छा इसमें से कौन सा वर्ड नया था तुम्हारे लिए? इजी था, डन। बायबैक इजी है, मैं बोल रही हूँ, बायबैक चैप्टर छोड़ा ना वाट लगेगी तुम्हारे। ये सर हाँ पर हो जाएगा, ये नहीं होगा। अच्छा गाइस एक मिनट, इसमें एक वर्ड तुमको नोट्स में एक वर्ड दिखेगा, रिकॉर्ड डेट, वो भी मैंने कराया है। ए किसको, एक मिनट गाइस रुको सुनो, टीसीएस का कल घाई घाई में थे, इसके लिए मेरे को पता नहीं ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तुमको पूछ के। अभी मेरे को हो जाएगा, अभी बराबर आंसर तो नहीं दिया ना। 9th August 2021 को रिकॉर्ड डेट था टीसीएस का, मतलब अगर तेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में हुआ कभी 9th August 2021 को, तो तेरे को बायबैक का लेटर ऑफ ऑफर मिलेगा, समझा ना। अच्छा तो अभी लक्ष्य ने खरीदा, अभी खरीदा था ना उसने, तो मुझे एक बात बताओ, अगर उसको खरीदना था तो कभी वो खरीदेगा? हाँ याद आया, हाँ 7th को खरीदा उसने, और उसे खरीदा, उसे 7 तारीख को ही खरीदा, ठीक है, ताकि उसका नाम 9 तारीख को आया। वो वेट कर रहा था कब डाउन हो कब डाउन हो, बट बीच में अभी बायबैक आ गया ना, तो फिर इतना डाउन नहीं हुआ, ठीक है। फिर भी उसे 7 तारीख को खरीदा, 7 तारीख को खरीदा, फिर 9 तारीख को उसका नाम रिकॉर्ड डेट में आ गया। अगर 9 को आया मतलब उसको लेटर ऑफ ऑफर मिल गया। अभी समझा, समझा। तो ऐसे ऐसे करो, जब भी खरीदना है, डिविडेंड लेना है, रिकॉर्ड डेट देखना पड़ेगा। और वो तुमको क्या मिलेगा पता है, ग्रो ऐप के फंक्शन में न्यूज है, ठीक है, और न्यूज से तुमको गूगल पे भी मिलेगा, रिकॉर्ड डेट कहाँ मिलेगा, समझा, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन, नहीं नहीं पहले ही कॉपी करो, कर लो करो। किया मैं बोलू 2 मिनट सुनो, बोल दो फटाफट, सुनो यहाँ पे फिजिकली शेयर्स डिस्ट्रॉय हुए ना बेटा, तो ये फिजिकली शेयर्स डिस्ट्रॉय हुए तुमको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। बट अगर मान लो मुकेश अंबानी ने ये बायबैक किया, ठीक है, मुक्कू जाके स्टॉक एक्सचेंज को बोलेगा हमने कसम से फिजिकली डिस्ट्रॉय किए शेयर्स, मान लो, तो फिर वो क्या बोलेगा, सर्टिफिकेट लेके आओ कि तुमने एक्चुअली फिजिकली डिस्ट्रॉय किए हैं, जिसमें किसकी सिग्नेचर होगी। सुनो पहले बोलने दोगे, फर्स्ट कंपनी के डायरेक्टर्स की, 2 डायरेक्टर्स की सिग्नेचर होती है, उसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, समझा, ये फर्स्ट। सेकेंड, या तो रजिस्टर टू एन इशू हमने किया था, रजिस्टर टू एन इशू है तो उसकी होगी सिग्नेचर, अगर वो नहीं है तो मर्चेंट बैंकर की भी सिग्नेचर चलेगी, मतलब दोनों में से एक की सिग्नेचर, या तो रजिस्टर टू एन इशू या तो मर्चेंट बैंकर की। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट,
स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स सीए, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करने का है सीए, हाँ हाईलाइट करने का, हाईलाइट, ठीक है, स्मॉल लेटर नहीं बिग लेटर, सीए, सीए का सिग्नेचर होगा, समझा? हाँ, सीए नहीं लिखने का, लिखने स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मतलब देखो मुक्कू का नहीं सुनते हैं, बट हमने बोला ना कि भैया मुक्कू ने बराबर काम किया है, भाया भाया मुक्कू ने बराबर काम किया है, तो वो लोग मान लेंगे, देखा हमारा वैल्यू, समझा तुमको, समझा? जरा हाँ बोलो, जोर से सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, ठीक। तो ये सर्टिफिकेट आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना पड़ेगा। जोक्स अपार्ट, कितने जन की सिग्नेचर? दो डायरेक्टर्स, इसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर, रजिस्टर टू एन इशू, नहीं तो मर्चेंट बैंकर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर, यहाँ तक समझा? अच्छा, प्लस एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एस्क्रो अकाउंट के ऊपर एक, पता है मैंने ऐसे ड्रॉइंग किया होगा, वो एक बार क्वेश्चन आया था, एक बार क्वेश्चन आया था, सुनो ध्यान से, सिक्स वाला पॉइंट गाइज मिला, सिक्स वाला पॉइंट, जब भी शेयर्स बायबैक करते हैं तो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक कौन सा है, रिजर्व कैटेगरी फॉर स्मॉल शेयर होल्डर, और अगर तू स्मॉल शेयर होल्डर नहीं है तो तू जनरल शेयर होल्डर में चली जाएगी। अभी ये तुमको नहीं समझेगा, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी स्मॉल शेयर होल्डर और वो सब कौन होता है, यहाँ तक समझा? अच्छा, बट उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। कैन अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर टेंडर हिज शेयर्स फॉर बायबैक, समझा ना क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन लिखा है, मतलब उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है, एज ऑन रिकॉर्ड डेट, मतलब अनरजिस्टर्ड है, कैन ही टेंडर द शेयर्स फॉर बायबैक, अभी ध्यान से सुनो, जनरल आंसर नो आता है, क्योंकि जिनका नाम रजिस्टर में है वही आएगा, बट अगर मान लो मैंने है ना, ये पहले होता था बेटा, अभी नहीं होता है क्योंकि अभी फिजिकल में शेयर्स नहीं होते, बट फिर भी सुन लो, मैंने ऑलरेडी शेयर्स ट्रांसफर कर दिए अमीशा, ठीक है, अमीशा ने ट्रांसफर डीड और वो सब भर दिया है, कंपनी के पास पड़ा हुआ है, अभी कंपनी ने उसको रजिस्टर, मतलब कंपनी को क्या करना चाहिए था, मेरा नाम रजिस्टर में से हटाना चाहिए था और अमीशा का नाम एंटर करना चाहिए था, वो उसने किया नहीं, पर उसने तो बहुत पहले दिया था, मतलब 15 दिन पहले दिया था या 12 दिन पहले दिया था, बट कंपनी की गलती की वजह से उसका नाम अभी तक रजिस्टर में आया नहीं है। शी हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द बायबैक, आंसर इज यस, वो बोलेगी कि मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर डीड सबमिट कर दिया था, तुम्हारी गलती की वजह से तुमने हमको रजिस्टर में एंटर नहीं किया, इसके लिए लिखा है आंसर, ये एक्सेप्शन हो गया, हाँ ठीक है, देखो क्या लिखा है, यस अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर में ऑल्सो टेंडर हिज शेयर फॉर द बायबैक सबमिटिंग ड्यूली एग्जीक्यूटेड ट्रांसफर डीड फॉर द ट्रांसफर इन हिज नेम अलोंग विद द ऑफर फॉर्म एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रांसफर। नहीं समझा? अगर फिजिकली शेयर्स है ना और रिकॉर्ड डेट के पहले उसने अगर सबमिट कर दिया है, तो अमीशा इवन दो अनरजिस्टर्ड स्टिल यू हैव अ राइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन बायबैक। नहीं समझा बेटा? अच्छा, अभी ऐसा होता है नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज इन डीमैट, पहले की बात है, अभी समझा? एस्क्रो अकाउंट तुम बोलोगे फटाफट कैसे मेंटेन करना है, सेम लाइक टेक ओवर, अगर कंसिडरेशन पेबल, कैसे कैलकुलेट करते हो कंसिडरेशन पेबल, अरे बोलो, सत्य और नाश हो, कंसिडरेशन पेबल कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक, करेक्ट, नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ देख के तो बोलो एटलीस्ट, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक, जितने शेयर्स बाय बैक करोगे इनटू, अच्छा इधर ऑफर प्राइस नहीं बोलते, इधर बाय बैक प्राइस बोलते, टीसीएस का बाय बैक प्राइस कितना था, 4200 इनटू उसने जितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक किए होंगे, उसका बायबैक का कंसिडरेशन पेबल कितना था, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, 18,000 करोड़, अरे बोला मैंने,
उसका कंसिडरेशन पेबल 18,000 करोड़ था, नंबर ऑफ शेयर मेरे को पता नहीं है, ठीक है। बायबैक प्राइस कितना था, 4,200, वो तो ढूंढ सकते हो, बट उतने शेयर्स उसने बायबैक किए, नहीं समझा। अच्छा, अभी अगर तुम्हारा कंसिडरेशन पेबल अप टू 100 करोड़ है तो कितना परसेंटेज एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करना, 25%। तुमको पता ना एस्क्रो अकाउंट में क्यों डिपॉजिट करना पड़ता है, एज अ सिक्योरिटी, या तुम अपना ऑब्लिगेशन पूरा करोगे, पब्लिक अनाउंसमेंट के पहले एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ता है, समझा। कितना बायबैक, कितना अमाउंट डिपॉजिट करोगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के हिसाब से, अप टू 100 करोड़ बायबैक का अमाउंट है, कंसिडरेशन पेबल है तो 25%, 25% ऑफ व्हाट, कंसिडरेशन पेबल। अगर अबाव 100 करोड़ है तो बैलेंस के लिए 10%, याद आ रहा है। अगर 300 करोड़ है, बोलो, 100 करोड़ के लिए 25%, याद आ रहा है ना। और बैलेंस कितना बचा है, 200 करोड़, उसके लिए सिर्फ 10%, मतलब इधर 25 करोड़ हो गया और इधर 20 करोड़, तो कितना हो गया, 45 करोड़, समझा। तीन मेथड है एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करने का, कौन सा, कैश, कैश डाल दो बैंक में, सिंपल, बैंक गारंटी, या तो एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज विथ अप्रोप्रिएट मार्जिन, याद आ रहा है, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, या तो कॉम्बिनेशन कर सकते हो ए बी एंड सी। अगर कैश होगा तो डीडी इश्यू करके देना पड़ेगा, किसके नाम पे, मर्चेंट बैंकर के नाम पे। बैंक गारंटी किसके फेवर में होना चाहिए, मर्चेंट बैंकर के फेवर में। एंड लास्ट एक्सेप्टेबल डिपॉजिट किसके, सॉरी, सिक्योरिटीज में आपको पावर देना पड़ेगा, किसको, मर्चेंट बैंकर को, ही कैन सेल ऑफ द सिक्योरिटीज। अगर ये किसी ने टेक ओवर अटेंड नहीं किया होगा तो उसको समझेगा नहीं, तो जिसने नहीं ये समझा है ना, टेंशन मत लो, टेक ओवर का लेक्चर देख लेना, ऑटोमेटिक एस्क्रो अकाउंट समझ जाएगा, क्योंकि सेम है टेक ओवर और इसका, सिर्फ टेक ओवर में 500 करोड़ था, इधर 100 करोड़ है, नहीं समझा, नहीं समझा। अप टू 100 करोड़ कितना डिपॉजिट करोगे, अबाउ 100 करोड़ 10%, बैलेंस का 10%। अच्छा, कैसे, तीन चार मेथड है, कैश, बैंक गारंटी, एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी विथ अप्रोप्रिएट मार्जिन, ये हो गया। अच्छा, फिर कैश होगा तो डीडी, यू हैव टू एम्पावर मर्चेंट बैंकर टू गेट डीडी, डीडी फॉर द अमाउंट, डीडी या तो डिमांड ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट विच इज लाइंग इन एस्क्रो अकाउंट। बैंक गारंटी शैल बी इन द फेवर ऑफ, एंड लास्ट एक्सेप्टेबल से पहले यू हैव टू गिव द पावर टू मर्चेंट बैंकर टू सेल ऑफ द सिक्योरिटी एंड टू रियलाइज द अमाउंट। ऐसे याद होना चाहिए, समझा, ऐसे याद रहना चाहिए कि यही है एस्क्रो अकाउंट। वापस डीलिस्टिंग में भी आएगा, हमें घड़ी घड़ी नहीं कराएगी, डाउट है, हो गया। और इसके, ए तुमको ये लैंग्वेज पता है, मुत्तांडिस मुत्तिस, पता है क्या होता है, सेम एज सेम प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल विथ नेसेसरी चेंजेस, ऑड लॉट होल्डर्स के लिए सेम है, हो गया। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट, तो दो हो गया अपना, ये टाइमलाइन अच्छा है।